इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। ये फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप इसके लिए इसके पहले वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को इस स्टेटमेंट में से इफ़ और दैन को हटाना है, ठीक है, विदाउट यूजिंग इफ़ एंड दैन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंसेस को ढूंढेंगे। ओके, आप देख सकते हैं दैन है ना हमारा, दैन के लेफ्ट और राइट में ये हमारा जो दैन है ये आ जाएगा, ठीक है। जो दैन है उसके लेफ्ट में एक स्टेटमेंट ढूंढना है हम लोग को सिंपल सेंटेंस, और राइट में एक सिंपल स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। इसके लिए उनको हम क्या बोलेंगे, पी और क्यू। तो सबसे पहला पी हम लोग लिखेंगे। पी क्या है, देखो इफ और दैन के बीच में सिंपली मिल रहा है हम लोग को, टू इज़ रैशनल नंबर, सिंपल मिल गया ना हम लोग को, वो हमारा हो जाएगा पहला सिंपल सेंटेंस, टू इज़ रैशनल नंबर। सिमिलरली हम लोग क्यू ढूंढ सकते हैं ना, क्यू आपको पता समझ में आ रहा होगा, रूट टू इज़ इरेशनल नंबर, डायरेक्टली मिल गया ना हम लोग को। दैन के बाद का स्टेटमेंट ये फैक्ट है, इसके लिए आपको यहाँ पर ग्रामर का टेंशन लेना नहीं है, ये ही शी ऐसा कुछ टेंशन नहीं, ये फैक्ट्स नंबर से फैक्ट से डायरेक्टली लिख दो इसको, रूट टू इज इरेशनल नंबर। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने पी और क्यू लिख दिया। अभी हमको क्या करना है, विदाउट यूजिंग, अभी इनके बीच में तो रिलेशन क्या है, इफ और दैन की है ना, तो उसको हम लोग सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं। क्या आ जाएगा वो सिम्बॉलिक फॉर्म, द गिवन स्टेटमेंट इज सिंपली क्या है वो, पी इम्प्लीकेशन क्यू है ना, पी इम्प्लीकेशन क्यू। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, पी इम्प्लीकेशन क्यू को इसको कैसा लिख सकते हैं जिसमें इम्प्लीकेशन का सिंबल ना है, क्या लिख सकते हैं पी इम्प्लीकेशन क्यू को, निगेशन पी और क्यू, समझ में आ गया, क्या लिख सकते हैं हम लोग पी इम्प्लीकेशन क्यू को, निगेशन पी और क्यू। सो इसको हम लोग यहाँ पे कोरिलेट करेंगे, इसको कोरिलेट किया हम लोगों ने, कोरिलेट करके क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम लोग ये दो सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। इस बार हम लोग इसका रेफरेंस लेंगे, इसका नहीं, ये इसके इक्वल है ना, अभी इसका यूज़ करेंगे और उसमें इफ और देन का इस्तेमाल नहीं होगा। सो देखिए किस तरह, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, ये हर बार आपको लिखना है पेपर में, जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन करेंगे उतना अच्छे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, पहला क्या आएगा, निगेशन पी, रूट टू इज़ रैशनल नंबर है ना, तो निगेशन करना है, नॉट डालना है, तो क्या बोलेंगे, टू इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, टू इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ये हमने किसके लिए लिखा, निगेशन पी के लिखा, ठीक है, निगेशन पी लिख दिया। अब क्या आ गया ना, निगेशन पी कंप्लीट हो गया, अभी और लिखेंगे ना, और को इसको सिंबल को किस में लिख दिया, ग्रामर में, वर्ड्स में लिख दिया। ओके, और क्या लिखना है फिर, क्यू लिखना है ना हम लोग को, क्यू तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ जो है वही कॉपी कर देना है आपको, और रूट टू इज़ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, ये सिंपली सॉल्व हो गया, 2 मिनट का ही था। ओके, सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम नंबर 3 भी अपलोड कर दूंगा।